हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का फ्रेंड्स हमारा जो सेशन होने जा रहा है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे होने जा रहा है। लाभ तो आने पे दोस्तों हम लोग राकेश सर बुक से आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के इस सेशन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 105 तक आज सॉल्व करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 इस प्रकार है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। तो 30 सेकंड का समय दे रहे हैं दोस्तों, प्रयास कीजिए बनाने का। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न इस प्रकार है, रुपीज 1690 में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है 1690 रुपया और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया दोस्तों 30%। तो किस पे प्रॉफिट होता है, तो लागत मूल्य पे ही प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं कि आपका जो लागत मूल्य है, देखिए प्रॉफिट कितना दिया गया है, लाभ कितना दिया गया है 30%, यानी 30/100। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी यानी लागत मूल्य पे कैलकुलेट होता है। यानी लागत मूल्य अगर 100 रुपया है दोस्तों, तो हमारा प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 30 का हमें लाभ हो रहा है। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 30 यूनिट हो रहा है। तो लागत मूल्य यानी सीपी अगर 100 है दोस्तों और हमारा जो प्रॉफिट 30 रुपया है, तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लागत मूल्य प्लस लाभ, या लागत मूल्य माइनस में लॉस, यही तो होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी हमारा लागत मूल्य कितना है, 100 है और लाभ कितना है, 30 का लाभ है। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 रुपया होगा। कितना होगा दोस्तों, 130 यूनिट हमारा विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या देखा है, विक्रय मूल्य कितना है हमारा, तो 1690 रुपया है। यानी 130 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 130 यूनिट का आपको वैल्यू दिया गया है, 1390 दिया। कितना दिया दोस्तों, 1690 रुपया दिया गया आपको, 1690 रुपया आपका विक्रय मूल्य है। तो हमें क्या निकालना है, हमें लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य क्या है, 100% है। तो 130 यूनिट बराबर कितना है, 1690 है, हमें 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1690/130। डायरेक्ट आप काट सकते हैं दोस्तों, 13 से यहाँ कटते और ये कितना 13 हो जाता, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। कितना हो गया हमारा, 13 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य यानी 100 यूनिट का वैल्यू। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 × 100 यानी 1300 हो जाएगा, 13 × 100 यानी कितना होगा दोस्तों, 1300 हमारा, ये हमारा लागत मूल्य निकल के आ गया 1300 रुपया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न हमारा जो था SSC असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में पूछा चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है, जो आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देने पर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो दोस्तों समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 मेजों का लागत मूल्य यानी 15 मेज का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि परसेंट आपको पता करना है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख दीजिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि 15 मेजों का लागत मूल्य यानी 15 मेजों का लागत मूल्य 15 सीपी
किसके बराबर है, तो 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है 20 एसपी। दोस्तों बस इतना आपको लिखना है और आपका आंसर आ गया। तो सीपी यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना होगा दोस्तों, सीपी हमारा 20 हो गया और एसपी कितना हो गया हमारा 15 हो गया। बस आपका आंसर आ गया, फिर काट दीजिए 5 × 20 5 × 15 यानी 4 × 3 में हमारा क्या आ गया सीपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आ गया दोस्तों 4 × 3 यानी 4 रुपए का कोई चीज है उसको 3 में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, तो हानि हो रहा है हमें 1 यूनिट का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, तो 1 यूनिट का हानि हो रहा है क्योंकि 4 रुपए का कोई चीज है, क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 3 है यानी 4 रुपए का कोई चीज 3 में बेच रहे हैं। हानि कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, कितना पे, तो 4 पे। यानी आपको लॉस परसेंट पता करना था, लॉस परसेंट कितना होता है दोस्तों, लॉस हो रहा है 1 का, लॉस हो रहा है हमारा कितना पे, तो 4 यूनिट पे गुना 100। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बटा सीपी गुना 100। लॉस जो परसेंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, लॉस यानी कितना का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, बटा में सीपी और गुना में 100। ये हमारा क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। लॉस कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, कितना पे, 4 पे गुना 100 यानी हमारा कितना आ गया दोस्तों 25% हमारा हानि हो रहा है। यानी आपका आंसर कितना आ गया 25%। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल डीयू एंड एलडीसी 2011-12 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 102-21 में आ गया होगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा अब क्वेश्चन नंबर 103 इस प्रकार है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वह बनाने का जरूर प्रयास करें। तो दोस्तों समय सीमा समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक व्यक्ति ₹2,160 में 2 पंखे खरीदता है, यानी एक व्यक्ति है जो ₹2,160 में टोटल 2 पंखा खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% का हानि होता है। यानी आपको टोटल सीपी दिया गया है दोस्तों ₹2,160 दिया गया टोटल सीपी, और फिर दिया गया है दोनों पंखों को बारी बारी से, पहला पंखा को दोस्तों 15% लाभ पे बेचते हैं और दूसरा पंखा को 9% की हानि बेचते हैं। तो पूरे सौदे में उसे ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता है, यानी 0% उसे प्राप्त होता है दोस्तों। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी प्रत्येक पंखों का आपको सीपी निकालना है। यानी 2 पंखा है दोस्तों, दोनों पंखा का आपका क्रय मूल्य दिया गया है, दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों, यानी पहला पंखा और दूसरा पंखा का क्रय मूल्य आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो टोटल ₹2,160 क्रय मूल्य है। कितना है, तो ₹2,160 क्रय मूल्य है, और दोनों पंखों को दोस्तों बारी बारी से बेचते हैं। तो पहला पंखा को दोस्तों हम लोग कितना बेचते हैं, तो लाभ पे बेचते हैं, यानी 15% लाभ पे, लाभ को हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, तो प्लस 15%। और दूसरा पंखा को दोस्तों माइनस से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हानि बेच रहा है। कितना का हानि बेच रहा है दोस्तों, तो 9% का हानि बेच रहा है, और उसको ओवरऑल यानी कितना परसेंट का लाभ या हानि होता है, तो दिया गया ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, यानी 0% यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो आपका ओवरऑल निकला लाभ हो रहा है हानि हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, वो क्या है बीच में लिखाएगा, यानी ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है, 0% हो रहा है प्राप्त हो रहा है उसे, तो यहाँ 0% लिख दिए। अब दोस्तों एलिगेशन लगा के हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य का रेशियो आएगा कि किस रेशियो में दोनों समान है, दोनों समानों का क्रय मूल्य बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एलिगेशन में क्या होता है, बड़ा में से छोटा घटाते हैं क्रॉस में, यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे दोस्तों क्रॉस में घटाएंगे, तो 15 में से 0 घटाया दोस्तों, तो कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया, यहाँ 15 लिख दिए। अब माइनस 9 बढ़ा है कि 0 बढ़ा है, तो हम जानते हैं 0 बढ़ा है क्योंकि नेगेटिव ये है, तो आपको डिफरेंस चलना है, तो 0 - -9 0 में से अगर घटाएंगे दोस्तों माइनस 9 तो कितना आएगा 9% आ जाएगा, तो 9% आपको यहाँ हो गया, ये हमारा कितना हो गया 15% हो गया, 15 - 0 15% 0 - -9% यानी कितना हो गया 9% हो गया। अब इसका रेशियो ले लेंगे दोस्तों, तो 3 से कटा तो 3 × 9 और 3 × 15 यानी 3:5 हमारा क्या आ गया दोस्तों रेशियो आ गया, कितना आ गया तो 3:5, उम्मीद कर रहा है दोस्तों दिख रहा है आपको कितना आ गया रेशियो, तो 3:5 आ गया, ये हमारा 9:15 आ गया, तो काटे तो 3:5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए
ये 15% था दोस्तों, ठीक है, ये हमारा -9% हो गया, ये हमारा 0% हो गया, क्रॉस में काटे दोस्तों तो कितना हमारा आया 9% आ गया, ये हमारा ये 15% आ गया। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया हमारा रेशियो 3:5 आ गया दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, तो 3:5 आ गया दोस्तों। अब इसी रेशियो में हमारा जो क्रैमूल है 2160 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी दोस्तों टोटल कितना है 3 और 5, यानी टोटल यूनिट कितना है 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 2160 रुपया हो गया, कितना हो गया 2160 रुपया हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो काटते हैं तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 यूनिट बराबर 2160 हो गया, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 से काटिए 8 × 2 = 16, 8 × 6 = 56, 270 रुपया होगा, कितना रुपया होगा दोस्तों, तो एक यूनिट का वैल्यू 270 रुपया हो गया। अब हमें निकालना है किसका किसका, तो निकालना है आपको 3 यूनिट है ये 5 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 270 × 3 यानी 810 हो जाएगा, और एक का कितना होगा दोस्तों, एक का 810 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ये हमारा 103 है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी है जो राइट आंसर होगा, क्योंकि 810 आ गया, एक कितना है 270, आप गुना में 5 करेंगे तो कितना आ गया 1350 रुपया आएगा, 5 से 3 = 13, यानी 1350 रुपया आ गया और 810 रुपया आ गया, तो कौन सा ऑप्शन है जो, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, इसमें क्या करना था दोस्तों, दिया गया है दोनों जो पंखा है उसका क्रैमूल दिया गया 2160 रुपया, फिर दिया गया पहला पंखा को 15% लाभ पे, दूसरा पंखा को 9% हानि पे, और ओवरऑल 0% का लाभ ना हानि होता है ना लाभ होता है, यानी 0% होता है। एलिगेशन मेथड लाभ अप्लाई कर दिया, तो एलिगेशन मेथड अप्लाई किया तो क्या हमारा रेशियो आ गया, रेशियो किसका आता है, तो रेशियो हमारा सीपी का आता है, तो 3:5 में, यानी 3:5 है रेशियो हमारा आ गया सीपी का, और टोटल कितना सीपी है 2160 है, यानी 8 यूनिट बराबर कितना हो गया 8 यूनिट बराबर 2160 हो गया, तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया 270 हो गया, हमें निकालना है दोनों क्रैमूल, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा 810 हो गया, और 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 350 रुपया हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 103, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग 104 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न का हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बनाने का जरूर प्रयास करें दोस्तों। तो फ्रेंड समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, यदि खिलौने ₹5 प्रति खिलौने की दर से खरीद कर ₹4.50 यानी 4.5 रुपया प्रति खिलौने की दर से बेच देते हैं तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें, यानी 5 रुपए का खिलौना दोस्तों हम लोग 4.5 रुपए में बेचते हैं तो कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, ये हमें पता करना है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में पूछा चुका है, यानी आपको सीपी दिया गया दोस्तों 5 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है तो 4.50 रुपये, ठीक है, तो कितना का हानि हो रहा है दोस्तों 50 पैसा का हानि हो रहा है, 5 रुपये का चीज 4.5 में बिक रहा है यानी कितना का हानि हो रहा है तो 0.50 जो पैसा है यानी 50 पैसा का हानि हो रहा है दोस्तों, बस इसका अप्लाई करेंगे तो 0.50 हमें क्या निकालना है, हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट क्या होता है हानि बटा सीपी गुना 100, हानि कितना का हो रहा है तो 0.50 का हानि हो रहा है, बटा में सीपी कितना दोस्तों 5 है, आप गुना में 100 करेंगे, पॉइंट हटाए 2 जीरो नीचे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से 50 10 बार में यानी 10% का दोस्तों क्या हो रहा है हानि हो रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही आसान था दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 104 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 105 कर रहे हैं जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी अभी तक किए क्वेश्चन ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो हमारा क्वेश्चन 105 इस प्रकार है दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो फिर से आपको हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन SSC CHSL DO LDC 2012 में पूछा चुका है, तो वो बनाने का जरूर प्रयास करें दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो जरूर बनाएं, प्रयास करें बनाने का।
दोस्तों समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बढ़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, रुपीज 150 से रुपीज 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं, यानी आपको शिपिंग दिया गया है, आपको दिया जा रहा है कि 150 से लेकर 300 रुपये के बीच में क्या खरीदी जाती है, किताबें खरीदी जाती हैं, और 250 से लेकर 350 के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा ये हमें निकालना है, यानी 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ कितना होगा ये हमें निकालना है। तो दोस्तों ये जो आपको जो क्वेश्चन है ये आपको कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए है, ठीक है। तो आपको दुकानदार आपको बन जाना होगा तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जब लाभ अधिकतम कब होगा, जब हम कोई चीज़ कम दाम में खरीदें और ज़्यादा दाम में बेचें दोस्तों, तो हमारा लाभ अधिक होगा। देखिए यहाँ दिया गया है आपको दोस्तों सीपी है, वो किसके बीच में दिया गया है, तो आपको जो सीपी है दोस्तों वो आपको 150 से लेकर जो 300 रुपये के बीच में दिया गया है आपको, ये हमारा सीपी रख किताब का सीपी आपको रखना है। और जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो कितना दिया गया है, तो 250 से लेकर दोस्तों कितना दिया गया है 350 के बीच में। तो मैंने आपको बताया कि आपको दुकानदार बन जाना होगा, ठीक है। तो लाभ अधिकतम कब प्राप्त होगा, जब आप कोई सामान कम दाम में खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचें तो आपका जो लाभ होगा वो ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि हमें किताब खरीदें, ठीक है, तो किताब मात्र हम 150 में खरीदें और जो हाईएस्ट में 350 में बेच रहे हैं तो हमें अधिकतम लाभ होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कम दाम में खरीदते हैं और ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो हमें लाभ क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। यानी लाभ हमारा कितना है दोस्तों, जो क्रय मूल्य कितना मान लिया हम लोग 150, यानी सीपी है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हम सीपी कितना माने 150 माने, और सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों 350 रुपये है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा रुपया में, ये हमें निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, 150 हम माने सीपी और 350 क्या माने, सेलिंग प्राइस माने। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 200 का लाभ हो रहा है ना, कितना का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 बुक है, ये तो एक बुक पे हम निकाल रहे हैं कि एक बुक का मान लिए कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 150 है और बेच रहे हैं उसको 350 रुपये में, तो कितना का लाभ हो रहा है एक बुक पे, 200 का लाभ हो रहा है, लेकिन बुक कितना है 15 है, तो टोटल लाभ कितना होगा दोस्तों, टोटल जो लाभ है यानी टोटल जो प्रॉफिट है ये तो 15 बुक का है, तो एक बुक का में 200 प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 बुक में कितना प्रॉफिट होगा, तो 15 × 200 यानी 3000 रुपया दोस्तों, ये हमारा आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, तो 3000 रुपया ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो डी है लास्ट वाला ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी आज क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।